गाइज, मैंने सौरभ जोशी का एक ब्लॉग देखा था जिसमें उन्होंने पेड़ लगाया था, तो मैं भी पेड़ लगाया। आप भी अगर सौरभ जोशी के फैन है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो इधर देख सकते हैं हमारे छोटे भैया और बड़े भैया ये पेड़ लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइज लगाते हैं पेड़ को, पहले साफ सफाई कर लेते हैं। चलो इसको साइड में रखो, जाली हटा के चलो हटाओ, इधर रखो। हाँ सही है। चलिए गाइज हम भी इसमें इसके साथ कर लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत। ईट निकल रहा है, अभी ईट ही निकल रहा है यार, गड्ढा तो हो गया, सारी कुड़ाई भी हो गया। बस गाइज फिलहाल गड्ढे तो कर दिए, अब पेड़ को लाने जा रहे हैं। चलो भाई लेकर आते हैं। गाइज फाइनली आ गए हैं और देख लीजिए ये दोनों पहले से ही आ गया, पहले ही पहुंच गया था। चलो चलो साइड साइड में कोड़ो, कोड़ लेगा हैं, कोड़ लेगा। हाँ नहीं तो तुम इधर वीडियो बनाओ, मैं इन कोड़ लेता हूँ, नहीं तो जड़ कटेगा ना तो सही से हो नहीं पाएगा। आ जाओ इधर। तुम बैठा तुम भी करो। चलो पेड़ हो गया, अभी से लेके चलते हैं। चलो बाहर पेड़ तो देख सकते हैं, आ गए बाहर। अब रुक नहीं करते हैं ना, पेड़ तो लग गए हैं। अब ऊपर से करना है, इससे क्या होता है, फायदे होते हैं, तुम भी बता दो क्या है ये गोबर है, फायदे इससे होते हैं। देख सकते हैं पानी इसमें डला रहा है। गाइस मम्मी ने बोला और पेड़ लगा दो, इसलिए फिर से मेहनत करना पड़ेगा, अब काम बढ़ गया भाई। गाइस फिलहाल हमको दो तीन ठो पेड़ लगाना था तो एक ही लगाए, अब इसको चौड़ा करते हैं जाली को। ले जा वीडियो करो थोड़ा सा, मेरे ऊपर जा। मैंने रेडी कर दिया, जाली को खोद दिया है गाइस, अब चलते हैं आम का पेड़ लाने। तो गाइस फिलहाल इसे हम लेके चलते हैं यहाँ पर लगेगा ना आम का पेड़। तो गाइस फिलहाल इसे हम लगाते हैं। तो गाइस फिलहाल लग चुका है पेड़, हम देख सकते हैं गाइस पेड़ लग चुका है, अब इसे हम जाली को लगाते हैं। देख सकते हैं जाली लगा रहे हैं, लग गया पीछे, देख सकते हैं आप पेड़ को। ली गाइज मैंने पेड़ लगा दिए, आपको दिखा देता हूँ पूरी बढ़िया तरीके से, जो कि स्पेस तो कम था लेकिन मैंने एडजस्टमेंट अच्छा तरीके से किया। ये गाइज देख सकते हैं, और ये बड़े भैया हमारे पानी डाल रहे। ये हो गया पपीते का, जो कि हम कभी काट भी देंगे इसको, और वो मैंने लीची का लगा दिया, वो मैंगो का है, आम का है, तो वो छोटा गो में फरने लगता है। ये जितने सारे पेड़ हैं सब छोटा गो में पड़ता है, पानी ऊपर से नहीं दिया जाता है, सुनो पानी नीचे से देना, ठीक है, जड़ खराब हो जाएगी नहीं तो। तो गाइस देख सकते हैं मेरी मेहनत का फल, मेहनत तो काफ़ी कर दी है, अब देखते हैं भाई फल कब मिलता है। फिलहाल मैं बचे खुचे पेड़ दिखा देता हूँ आपको, जैसे कि पेड़ वाला रूम में आ चुके हैं और पेड़ दिखाते हैं आपको। अभी यहाँ से हम जो लेके गए वो पपीते का पेड़ था, जो कि ये वाला पपीते होगा जो बड़े बड़े अभी फर रखे है। देख लो गाइस जो अभी बड़े बड़े फर रखे है ना, इसी पपीतों को मैंने बाहर रोका। ये सर सारे पेड़ बच रहे हैं तो दूसरे वाले जगह पे रोपूंगा। ये तो एलोवेरा हो गया, ये आम का, वो लीची का, वो जामुन का, वो फिर वहाँ जामुन है उसका रोपूंगा, लेम्बू का है, ये भी लेम्बू का है। गाइस यहाँ पे खाली पड़ गया है, दो चार पेड़ को मैंने कबाड़ के रख दिया, क्योंकि भाई पेड़ लगाइएगा ना तो आगे चल के बहुत अच्छा होगा आपके साथ। तो आप लोग भी गाइस पेड़ जरूर लगाएं प्लीज गाइस। कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कर दिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।